सो हमारी तीन कैटेगरी जो मेजर रहेंगी, नंबर वन इज हेल्थ, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, राइट। कोविड ने सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या होती है और लोगों को पता चल गया कि फूड सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं, हाँ या ना? यस। फिनोमिनल चेंज, जो पहले लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी, आज के दिन पे बहुत अवेयरनेस है। और हेल्थ की कैटेगरी में कैसे प्रोडक्ट्स, जैसे आपने इस साल में जो देखा होगा, वेदर इट इज एब्लॉबेट, वेदर इट इज अपने जो अपना एनर्जी बूस्टर या जो बाकी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सीएमडी लॉन्च किया है, हम आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स उनके ऊपर काम करेंगे जो एक्सक्लूसिविटी हो, जिनके ऊपर पेटेंट्स हो, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो, ताकि और कोई कंपनी उन प्रोडक्ट्स को ना मार्केट कर सके, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी अवर एक्सक्लूसिविटी। नंबर टू, जो मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो है ब्यूटी। व्हाई? ओके, हर एक लड़की और लड़का अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, है ना? बताओ, सी द नंबर ऑफ ब्यूटी पार्लर में चलते, राइट, सी द नंबर ऑफ जिम्स, कहे के लिए हेल्थ पार्क्स, जिसके अंदर मॉर्निंग में लोग सैर करने जाते हैं, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी हेल्थ कॉन्शियस। ब्यूटी के अंदर प्रोडक्ट्स कौन से विच आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी जो R&D फैसिलिटी है उसके अंदर हमने ऐसी फिनोमिनल फॉर्मुलेशन क्रिएट की हैं, जो फॉर्मुलेशन हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके, टाटा से लेके, मैरिको से लेके, मामा अर्थ, शुगर, पर्पल, वेबसाइट, जूडियो, हर एक के अंदर हमने वो फॉर्मुलेशन दी हैं, विच आर अवर एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपर्टीज जो हमने बिल्ड कर लिया है। तो आपको वेदर इट इज कलर कॉस्मेटिक्स, वेदर इट इज स्किन केयर, आपको एक्सक्लूसिव वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, राइट, जो इंडियन प्राइसेस पे, ताकि उनके ऊपर आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बिल्ड कर सकें। थर्ड मेजर कैटेगरी जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है इज गोइंग टू बी एग्री। आपको पता है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में टोटल मिला के एग्री के ऊपर 400 करोड़ का बिजनेस होता है, जिसमें से 200 करोड़। सो दीज आर द मेजर कैटेगरीज जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कंपनी का विजन एब्सोल्युटली क्लियर है। अच्छा लगा? Yes, yes. और कुछ सुनना? Yes, yes. मेरे पास है नहीं कुछ बताने, जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, जो इस साल प्रमोशंस लॉन्च किए हैं वो कैसी लगी? बहुत अच्छा। लग नहीं रहा आप लोग?